सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग राफ्ट मोटर की तरफ से आने वाले जिस पर NX मॉडल का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और जाने वाले इस स्कूटर के फीचर्स, रेंज, मोटर से लेकर सब कुछ के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे इस स्कूटर के प्राइस के बारे में भी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं राफ्ट मोटर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है राफ्ट मोटर का शोरूम जो कि ससरा में लोकेटेड है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार राफ्ट मोटर का बोर्ड देख लीजिए, ये देख सकते हैं कि साइड में यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है और कुछ ऐसा दिखता है शोरूम। यहाँ पर आपको राफ्ट मोटर के सारे ही मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राफ्ट मोटर के सारे मॉडल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब मेन बात करते हैं कि कैसे आप इस शोरूम को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे सासाराम का मेन जीटी रोड। तो दोस्तों, अगर आप इस साइड से आते हैं यानी कि ढेरी साइड से, तो आपके लेफ्ट साइड में ये शोरूम आपको दिख जाएगा। और अगर दोस्तों आप आते हैं सुसागर साइड से, पोस्ट ऑफिस साइड से, तब दोस्तों आपके राइट साइड में ये शोरूम आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर काफी ज्यादा स्टॉक खड़ा है, तो इससे भी आप देखकर पहचान सकते हैं कि हाँ, शोरूम राफ्ट मोटर्स यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब इस स्कूटर के मतलब की रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस स्कूटर के की के बारे में। तो इसमें आपको कुछ इस टाइप का की देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको फिजिकल की भी देखने को मिलता है और आपको रिमोट लॉकिंग की भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको रिमोट लॉकिंग में तीन फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। बीच में आपको बटन देखने को मिलता है जिससे आप इस स्कूटर को ऑन कर सकते हैं, ऊपर से आप इसे ऑफ कर सकते हैं, और दोस्तों इस बटन से आप इस स्कूटर के व्हील को लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अपने स्कूटर का व्हील लॉक करके रखा है और कोई आपके स्कूटर के साथ छेड़छाड़ करता है, तो ये स्कूटर बीप मारने लगेगी, जिससे दोस्तों ओनर को पता चल जाएगा कि कोई स्कूटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा सेफ्टी फीचर आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब इस स्कूटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्कूटर के लुक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस स्कूटर का जो लुक है वो देखने में काफी ज्यादा मॉडर्न और फ्रेश देखने में लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्रंट में यहाँ पर काफी अच्छा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। दोनों साइड में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको DRS देखने को मिल जाते हैं। एक बार मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको DRS देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको हेडलैम्प के अराउंड में भी DRS देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी खूबसूरत लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बीच में LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा इस स्कूटर का LED हेडलैम्प सेटअप। तो इसी में आपको लो बीम और हाई बीम दोनों ही देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मडगार्ड के बारे में। तो कुछ इस टाइप का आपको मडगार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्रोम का फिनिश देखने को मिल जाता है, जो कि इस स्कूटर को काफी ज्यादा प्रीमियम बना देता है। और दोस्तों, बात करते हैं सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, टायर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 3.00 सेक्शन का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर मेन मुझे राफ्ट मोटर के साथ ये अच्छा लगा कि इनके सारे ही मॉडल्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों जनरली देखा जाए तो इंडियन मार्केट में जो भी लो सेगमेंट में स्कूटर्स आती है उनमें आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सभी मॉडल्स में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों आपकी सेफ्टी के लिए काफी अच्छी चीज है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस स्कूटर के साइड लुक के बारे में। तो यहाँ पर इस स्कूटर का जो साइड लुक है वो भी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको काफी खूबसूरत ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जिसका NX का स्टिकर देखने को मिल जाता है। और फुट एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको काफी मतलब की ह्यूज फुट एरिया देखने को मिल जाता है, जिससे आप चाहे तो काफी कंफर्टेबली अपने पैर को मतलब की रेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत सामान वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्कूटर के सीट के बारे में। तो इसमें आपको काफी कंफर्टेबल सीट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्कूटर का जो सीट है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो दो लोग काफी कंफर्टेबली बैठकर इजीली इस स्कूटर से राइड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, कुछ इस टाइप का आपको ग्रैबरल देखने को मिलता है ब्लैक कलर के अंदर। और रियर लुक के बारे में बात करते हैं, तो रियर में आपको LED टेल लैंप देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं रियर के बारे में, तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर आपको देख सकते हैं 90x100 सेक्शन का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों, राफ्ट मोटर के साथ मुझे एक चीज और ये अच्छा लगता है कि इनका स्कूटर जस्ट आपको परचेस करना है और आपको रोड पे लेकर चले जाना है, क्योंकि दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई भी झंझट देखने को नहीं मिलता, जो कि दोस्तों और दूसरे बाइक्स और स्कूटर के साथ देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको इनके कोई भी मॉडल के साथ देखने को नहीं मिलता, जो कि मुझे काफी अच्छी चीज लगती है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर इसे ऑन करते हैं, कुछ इस टाइप का आपको एनिमेशन बना हुआ आता है। यहाँ पर आपको स्पीड पता चलता है, यहाँ पर आपको गियर पता चलता है, क्योंकि दोस्तों इस स्कूटर में आपको गियर वाला सिस्टम भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बैटरी का मतलब की लेवल पता चलता है कि बैटरी कितना चार्ज है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्विचेस के बारे में। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले गियर सिस्टम देखने को मिलता है, 1, 2 और 3। तो बाइक वाला ही सेम सीन है। अगर आप इस स्कूटर को 1 गियर में चलाते हैं तो आपको कम स्पीड देखने को मिलेगा, 2nd गियर में चलाते हैं तो थोड़ा ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगा, और 3rd गियर में चलाते हैं तो आपको और ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, बात कर लेते हैं इस स्कूटर के टॉप स्पीड के बारे में। तो इस स्कूटर का टॉप स्पीड आपको करीबन 50 km/h का अप्रॉक्स का देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, उसके ऊपर आपको ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली इंजन किल स्विच का ही काम
करता है। तो अगर ये ऑफ के पोजीशन पर रहेगा तो ये स्कूटर चालू नहीं होगी, और ऑन करते ही चालू हो जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट देखने को मिलता है कि इसमें आपको रिवर्स गियर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसे प्रेस करके रखते हैं और एक्सेलरेटर को देते हैं तो ये स्कूटर आपको पीछे जाने लगेगी, जो कि दोस्तों आपको पार्किंग के टाइम और सिटी वगैरह में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको सर्विस का एक बटन देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको गियरेंस और हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने का स्विच देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच देखने को मिलता है, इंडिकेटर स्विच और यहाँ पर आपको हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है लॉकेबल, तो इसे मैं एक बार आपको खोल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक लॉकेबल स्पेस देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप चाहें तो अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फर्स्ट एड किट और टूल किट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अपना सामान रख सकते हैं। अब दोस्तों चलिए इसकी सीट ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सीट के नीचे आपको कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलता है, उस जगह पर आपको कंपनी बैटरी ऑफर करती है। तो इसमें आपको काफी पावरफुल और पोर्टेबल बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसका कैपेसिटी आपको 60 वोल्ट 36 एम्पियर का देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके रेंज के बारे में, तो यहाँ पर आपको कंपनी करीबन 100 केएमपीएल प्लस का रेंज ऑफर करती है। बाकी दोस्तों मेन मुझे इस कंपनी के साथ जुड़ने में ये बेनिफिट लगा कि इस बैटरी का मतलब कि कंपनी आपको वारंटी करीबन 1 लाख किलोमीटर और 3 इयर्स का देती है, जो कि दोस्तों नॉर्मली कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी आपको इतना वारंटी नहीं देती है करीबन 3 इयर्स का, बट आपको इतना किलोमीटर्स का वारंटी कोई भी कंपनी आपको ऑफर नहीं करती है, जो कि दोस्तों राफ्ट मोटर आपको ये चीज ऑफर करती है। तो बस आपको राफ्ट मोटर का कोई प्रोडक्ट परचेस करना है और आपको टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि दोस्तों 1 लाख किलोमीटर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लोग उतना किलोमीटर से अपने बाइक और स्कूटर को चलाते भी नहीं, उससे पहले ही बेच देते हैं। तो आपको बस राफ्ट मोटर के किसी प्रोडक्ट को परचेस करना है और टेंशन फ्री हो जाना है। दोस्तों अब बात करते हैं इस बैटरी के चार्जर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर कंपनी आपको काफी बेहतरीन 10 एम्पियर का फास्ट चार्जर ऑफर करती है, जो कि दोस्तों नॉर्मली और कंपनी आपको 10 एम्पियर का इतना फास्ट चार्जर ऑफर नहीं कर पाती है, जिसके चलते आपका बैटरी जो है वो करीबन 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। बाकी एक चीज और दोस्तों कि यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप राइडिंग के टाइम भी अपने फोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं इजिली, कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस स्कूटर के प्राइस के बारे में। तो हमारे एरिया सासाराम के पास बिहार राज मोटर्स के ऊपर इस स्कूटर का ऑनरोड प्राइस आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो मतलब की प्राइस है राफ्ट जिस्का मॉडल का एनएक्स, इसका प्राइस आपको करीबन 96,744 रुपीस देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों कंपनी आपको मेंशन करती है। लेकिन दोस्तों इस न्यू ईयर के टाइम पर आपको कंपनी 3,000 का इस मॉडल के ऊपर डिस्काउंट ऑफर करती है, जिसके बाद दोस्तों इसका प्राइस आपको 93,744 रुपीस का देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस स्कूटर के हिसाब से, जो कि आपको इतने सारे फीचर्स ऑफर करती है उसके हिसाब से कोई भी महंगा है।